कहने सुनने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज बहुत कम समय के बाद आप लोगों को एक मौका मिलेगा 3 तारीख को अपना विधायक चुनना है। ये काम आपने 1.5-2 साल पहले भी किया था और 5 साल के लिए जिम्मेदारी आपने जिन लोगों को दी थी उनका दायित्व तो बनता था कि आपकी सेवा करें, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके बीच रहकर आप लोगों को सेवा दें, आपका आशीर्वाद लें। आज मैं सुनील शर्मा जी का भाषण सुन रहा था और बहुत जज्बाती भाषण दिया, थोड़ा लंबा बोले, कमलनाथ जी परेशान हो रहे थे, घड़ी दिखा रहे थे बार बार। मैंने कहा पंडित जी को बोलने दो, आज बहुत दिन के बाद मौका मिला है गला साफ करने का और जनता ने आशीर्वाद देकर, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट देकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया है। लगभग 2 दर्जन सीटों पर उपचुनाव है, तो आप कांग्रेस पार्टी के लिए इन उपचुनाव के प्रचार में आएंगे क्या मध्य प्रदेश? मैंने कहा कमलनाथ जी मैं आऊंगा और डंके की चोट पर आकर यहां पर आप सब लोगों से आवेदन करूंगा कि इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा उस काम को हम लोग करेंगे। ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। आज लगातार विधायकों के साथ किस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है, जब इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जनता ने चौहान साहब को, शिवराज सिंह जी को हाथ जोड़कर यहां से विदाई करी थी तो उनके गले नहीं उतरी और पिछले दरवाजे से दोबारा आकर यहां जनता के छाती में बैठ गए। और मुख्यमंत्री वो कैसे हैं जो मुझसे ज्यादा मध्य प्रदेश और ग्वालियर की जनता जानती है। इतने बड़े बड़े कांड हुए देश के इतिहास में, व्यापम से बड़ा कोई कांड नहीं हुआ। कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग निर्दोष मारे गए, किस नेता को आज तक पकड़ा गया? चाहे डंपर का कांड हो, चाहे व्यापम का कांड हो, चाहे बजरी का हो, चाहे रेते का हो, इन सब कांडों की पोथरी जब बहुत बड़ी हो गई तो मध्य प्रदेश की जनता ने कहा अब यहां से आप जाइएगा और कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का शासन मध्य प्रदेश में बना। लेकिन चैन से नहीं बैठे, सरकार को अस्थिर करना, सरकार को गिरा देना। और मैं तो कहता हूं अगर आप में इतनी ताकत थी, अगर आपको अपने ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी विचारधारा के ऊपर इतना विश्वास था तो एक बार आप जरा विधानसभा भंग करके देख लो, चुनाव लड़वा लो, पूरा पता पड़ जाएगा 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस जीत कर आएगी। वो हिम्मत नहीं है, ये चोरी छुपे, लुका छुपी, लालच प्रलोभन, डर, भय ये पैदा कर विश्वास मत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, मैं लगभग 6.5-7 साल तक राजस्थान प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और कमलनाथ जी आपको सुनकर खुशी होगी कि इस लंबे कार्यकाल में समय समय पर मैं गिन रहा था तो लगभग 27 जगहों विधानसभाओं में उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर और उन 27 जगहों में से 25 जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, 25 जगहों पर जब बीजेपी का शासन था। तो उपचुनाव में तो मेरा शगुन बढ़िया रहता है, अब मैं यहां पर आया हूं तो मुझे पूरा विश्वास है ना सिर्फ ग्वालियर चंबल में, अभी सवाई हमने करी थी मुरैना में, शिवपुरी में, हर तरफ कांग्रेस की लहर है। बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता सबक सिखाना चाहती है, जनता दुनिया को दिखाना चाहती है कि इस मध्य प्रदेश में, इस देश के अंदर हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत अभी मजबूत है, जिंदा है। और ये वोट ऐसी चीज है साथियों, कोई कितने बड़े पद पर बैठा हो, कितना बड़ा खरबपति हो, कितना बड़ा नेता हो, जब चुनाव का समय आता है तो माथा और नाक रगड़कर वोट मांगनी पड़ती है, गली गली जाना पड़ता है, गरीब को प्रभु बोलना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और मैं मानता हूं राजनीति में
अगर कोई आत्मीयता से, प्रेम से, सद्भाव से एक दूसरे के साथ बर्ताव रखता है, लोगों को इज्जत देता है, उस नेता को लोग सराहों पर बैठाते हैं। आज आपके बीच में एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, आप सबके भरोसे पर बनाया है। पूरी सरकार, पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन कितनी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल कभी नहीं टूट सकता। हम सब कट्टान की तरह इनके पीछे खड़े, सुनील शर्मा जी के पीछे, और आप लोगों के हाथ में बटन दबाने की ताकत है। साथियों, 3 तारीख को जो चुनाव होंगे, कानून बना रहे हैं दिल्ली में, संसद में बहुमत के आधार पर कानून पारित कर रहे हैं, किसान जो दबा है, वैसे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चौपड़ हो गई है, लेकिन ना विकास की बात करनी, ना किसान की बात करनी, ना नौजवान की बात करनी, ना रोजगार की बात करनी, सिर्फ बांटो और राज करो, धर्म की राजनीति करो, लोगों को गुमराह करो, कभी मंदिर की बात करो, कभी मस्जिद की बात करो। और मैं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 125 साल से इस देश प्रदेश को अपने खून पसीने से सींचती आई है। आज आप सब देख चुके हो कौन अपना है, कौन पराया है, और मैं पिछले 17, 18, 19 सालों से जहां जहां मुझे पार्टी ने कहा वहां पार्टी के लिए वोट मांगने गया हूं, और अधिकांश जगहों पर मेरा निवेदन जनता ने स्वीकार किया है। तो ग्वालियर के लोगों से कहना, अति विशेष हो, नेता हो, लेकिन संगठन विचारधारा सबसे ऊपर होती है, इसलिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 3 तारीख के चुनाव को ये अपना चुनाव आपको मानना है। आज पूरे दिन ग्वालियर संभल में हम लोगों ने सभाएं करी, आचार्य प्रमोद जी ने जो आज यहां जबरदस्त भाषण दिया है, इससे भी लंबा ऊंचा भाषण दिया बाकी जगहों के अंदर, और सच बोलते हैं कि अंत में सच की जीत होती है, सत्य की बीज होती है, और सत्य की जीत तब होगी जब आप सब लोग, 36 कौम के लोग, 3 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को, उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताओगे। ये निवेदन करने के लिए मैं सारे काम छोड़कर आपके बीच में आया हूँ। इनके DNA तो पहचानते हैं ना आप, इनका DNA खून और DNA पहचानते हैं। सिंधिया जी के बारे में मैं क्या कहूँ, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, दूल्हा तो बना लिया पर जवाई नहीं बनाएंगे, ये याद रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है सुधीर शर्मा जी, जिनकी सेवा की भावना है, इन्होंने कई सालों से आपकी सेवा करी, पानी की बात हुई, जो भी बात हुई उससे मैं परिचित था, इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया।